नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों आज हम आरआरबी अजमेर की कट ऑफ देखने वाले हैं, और अगर दोस्तों आपने भी आरआरबी अजमेर से फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट कट ऑफ से संबंधित नहीं रहेगा, और अगर आपने किसी अन्य जोन से फॉर्म भरा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तथा अगर आप किसी अन्य जोन की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप चैनल के ऊपर जाकर रेलवे ग्रुप डी की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हर जोन का एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आरआरबी अजमेर की कट ऑफ देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों अब हम देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ। तो दोस्तों कट ऑफ देखने से पहले हम देखते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए और कितनी वैकेंसियां हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए वैकेंसियां। तो दोस्तों यहां पर रेलवे ग्रुप डी में आरआरबी अजमेर में वैकेंसी है 4755 टोटल वैकेंसियां। इसके अलावा फॉर्म आए हैं लगभग 12 लाख। तो दोस्तों अगर आप 12 लाख में 4755 का भाग दें तो कंपटीशन लगभग 255 आता है। एक सीट के ऊपर 255 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि हर 255 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होना है, एक विद्यार्थी है 255 विद्यार्थियों में से पास होगा। अब दोस्तों हम जानेंगे कट ऑफ, वो भी बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज वाइज। सबसे पहले दोस्तों जनरल की बात करेंगे। तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ है वो देखिए, हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, फिक्स नहीं है, प्लस माइनस एक या दो भी हो सकता है, और ये हमारी सोच है। दोस्तों जनरल कट ऑफ है वो 55 से 60 रह सकती है, मैक्सिमम यहां पर जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये कट ऑफ जो हम आपको बता रहे हैं ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, ये बात आप भी सोच लीजिए, लेकिन फिलहाल जो आपके मार्क्स है ना उनके आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं। अगर आप कितने मार्क्स फिलहाल हैं इसका मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं, कम से कम अगर 55 भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की रहेगी लगभग 52 से 55, अधिक से अधिक 52 जाएगी और कम से कम देखे 50-52 तक रह सकती, अधिक से अधिक 55 और कम से कम 52। एससी की अगर बात करें तो दोस्तों एससी की 48 और 52 के बीच में रहने वाली है। यहां पर दोस्तों अगर आपका स्कोर लगभग 50 है एससी में तो बिल्कुल सेफ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दोस्तों आप कितने नंबर हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। एस्ट की बात करें तो एस्ट की दोस्तों लगभग 45 से 50 रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा 50, वैसे अगर आपके 45 भी है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दोस्तों बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपको बताई है नंबर बढ़ते हैं तो लगभग नॉर्मलाइजेशन में आरआरबी अजमेर में यहां पर 10-15 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ आप सीधे देखिए यहां पर अगर आप 60 में 10 नंबर बढ़ा दें तो लगभग 70 तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ये फिलहाल जो आपके मार्क्स हैं उनके आधार पर कट ऑफ हमने आपको बताई है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपका इस कट ऑफ में नंबर आ रहा है तो आपको बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम नहीं हुई तो दोस्तों आपके कितने नंबर आ जाएंगे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपके भी किसी दोस्त ने आरआरबी अजमेर से फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप उसे शेयर करते हैं तो उसकी मदद हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।